महफिल में बहुत बहुत ख़ैर मक़दम है ये मेमोरियल लेक्चर मेरे वालिद मुजीब रिजवी साहब के नाम से हो रहा है तो अबू के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी आपसे कि अबू वो चीज़ थे जो वैसे तो जैसे कि सब जो उनको जानते थे उन्हें स्नेह और करुणा का एक समर तो थे ही वो लेकिन साथ ही वो एक ज्ञान का सागर थे तो जब जिन दिनों मैं कौन बनेगा करोड़पति में काम करती थी तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था कि अगर हम कहीं अटकते थे किसी इंसाइक्लोपीडिया या लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाते थे सीधे मैं फ़ोन उठाती थी अबू को कॉल करती थी और अबू थोड़ी ही देर में उस चीज़ का बिल्कुल ख़ुलासा करके हमारे हाथ में दे दिया करते थे और ये आदत इतनी हम उसमें उस में इतने बह चुके थे कि हमने ये कभी सोचा भी नहीं कि उनके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में जिस तरह की खला रह जाएगी जिस तरह का व्योम होगा जैसे हमारी ज़िंदगी से इस तरह की बातों का किसी एक लफ्ज़ को लेके उसको बारीकी से उसकी खाल नोचने का किसी एक आ, चाहे वो संस्कृति हो चाहे वो राजनीति हो उसमें एक अलग अंदाज से कुछ नया एंगल ढूंढने का उस तरह की गुफ्तु की जो कमी रह गई थी वो बहुत बड़ी खला थी तो मेरी छोटी बहन अनुषा और महमूद ने जब ये तश्ीस रखी कि अबू के नाम से मेमोरियल लेक्चर हम करें ताकि ये जो ज्ञान पाने और उसको समझने की जो एक चीज़ हम तो हमारे हाथ से निकल गई थी उसको हम जीवित रख सकें तो इसके लिए मैं महमूद की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और महमूद जिसका काम उसी को साझे तो मैं अब दावत दे रही हूँ मेरे बहनोई और उससे ज़्यादा स्कॉलर दास्तान राइटर महमूद फ़ारूख़ी प्लीज़ आइए और अपना काम संभालिए बहुत बहुत शुक्रिया आ, मैं शिवमूर्ति मूर्ति जी को दावत देता हूँ वो आए स्टेज पे। जब तक मैं उनका तारुफ देता हूँ और लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं उनके बारे में भी दो चार बातें मैं बताऊंगा अभी उसके पहले मैं मुजीब साहब जैसा कि आप में से बेहतर लोग जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस्लामिया दोहरा देना चाहिए शायद तो मैं वो आ, आ, उन्होंने हिंदी डिपार्टमेंट शोबा क़ायम किया उसके पहले उनकी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और अलाहाबाद में हुई थी अलाहाबाद में पंडित सुंदर से उनका ताल्लुक हुआ बचपन में तो उसके बाद से ही वो थोड़ा गांधीवादी दर्शन और गांधीवादी सियासत की तरफ उनका रुख हुआ था और उन्हीं की तहरीक पर पंडित सुंदरलाल की उन्होंने हिंदी को अपना सब्जेक्ट चुना अलीगढ़ से उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पर पीएचडी की जो बहुत सालों तक वो उस पर शोध करते रहे जामिया में पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था उन्नीस सौ इकसठ बासठ में या थोड़ा कुछ पहले और पीएचडी उनकी सेवेंटी फ़ोर सेवेंटी फाइव एट में इनफैक्ट तक मुकम्मल हुई पास हुई लेकिन उसको उन्होंने छापा नहीं वो कई साल तक उस पर काम करते रहे और ये कहते रहे कि नहीं अभी और काम होना बाकी है अभी कोई कागज़ है पेरिस में कोई कागज़ है लंदन की लाइब्रेरी में तो वो अटका रहा काम वो बात उनके जाने के बाद वो किताब हमने छपाई उनकी वो करीब तीस साल तक बत्तीस तैंतीस साल तक जामिया से मुसलिक रहे और जामिया में जब वो आए थे तो वो बहुत छोटा सा इदारा था बल्कि वो कॉलेज था जामिया कॉलेज और पुराने ज़माने के जो लोग वहाँ के हैं वो कॉलेज को बस स्टॉप को भी जामिया कॉलेज कहा जाता था फिर वो धीरे धीरे डीम यूनिवर्सिटी बना फिर वो यूनिवर्सिटी बना और जामिया की इस तरक्की में और नशो नमा में उनका बड़ा किरदार रहा ख्वाजा शाहिद साहब अबू के पुराने दोस्त और साथी कुलग जामिया के वहाँ मौजूद हैं शाहिद अमीन ने भी कुछ अरसे जामिया में पढ़ाया है और प्रोफ़ेसर अमर फ़ारूकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए लेकिन उनका भी बड़ा साथ रहा और वो उनके बहनोई भी उनके साढ़ू साढ़ू भी लगते थे तो आ, आ, ये लोग बहुत कदीम ज़माने से अब्बू को जानते हैं तो अब्बू ने जामिया के लिए एक तरह से अपनी ज़िंदगी गर्क कर दी काफ़ी सालों तक और वो स्कॉलरशिप से उस हद तक बस वाबस्ता रहे कि टीचर्स पढ़ाना स्टूडेंट्स को और उसमें गर्क रहना तो तसनीफ़ का काम लिखने का काम उन्होंने कम किया लेकिन उनकी जो किताबें हैं वो सब कालजई हैं और वो सब की सब क्लासिक हैं खुसरो नामा उनकी किताब हज़रत अमीर खुसरो पे बड़ी क्लासिक है शाहकार है और पद्मावत पे जब उन्होंने किताब लिखी और जब के आई तो फिर लोगों को एहसास हुआ बहुत से लोगों को कि वो किस पाए की किस मरतबे की किताब है और ऐसी स्कॉलरशिप पद्मावत पे और जायसी पे और हमारे मध्ययुगीन कवियों पे बहुत कम हुई है उनकी एक और किताब पीछे फिरत कहत कबीर कबीर आपा ने ज़िद करके उनके मजामी को जमा करके आपा यानी अनुषा और मीरा आपा की वालदा अजरा रिजवी जो ख़ुद भी जामिया से वस्ता थी एक्ट्रेस थी अदाकारा थी तर्जुमा करती थी और यू एस एस आर में इंफॉर्मेशन सेंटर में उर्दू तर्जुमे नगार के तौर पर उन्होंने बहुत सालों तक काम किया उन्हीं की तहरीक पर उन्हीं के कहने पर उनकी आखिरी किताब आई थी मंजरियाम पर और वह दोनों किताबें राजकमल ने छापी हैं हम अशोक महेश्वरी जी के बहुत शुक्रगुज़ार हैं उन्होंने छापी हैं और वो किताबें लोगों तक पहुँची उनका नाम और काम क्योंकि बुनियादी तौर पर दरअसल अबू बहुत मुजीब साहब बड़े बेनियाज थे इस मामले में अपने नाम और काम को दूसरों तक पहुँचाने में और अगर वो शायद रहते तो ये किताबें ना आ पाती मंजरियाम पर तो उनके जाने के बाद ये किताबें आईं कमलेश आंटी यहाँ बैठी हैं वो भी उनके साथ थी डिपार्टमेंट में बहुत दरीना दोस्त उनकी और बहुत ज़माने तक उनका साथ रहा गुड़गांव से आई हैं और बहुत अब से उनको मोहब्बत और अकीदत थी तो उन तमाम लोगों के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और अबू की बारे में मैंने मजमीन मजा मजमून लिखा है दो दो मजामीन हैं वो एक मैंने आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है और उनकी किताब में भी है पद्मावत में वो मजमून शामिल है जो मैंने अपने तसरत रकम किए हैं मैंने उनको रिटायरमेंट के बाद ही जाना जब वो रिटायर हो गए थे जामिया से और सबकदोश हो गए थे और एक तरह से किनारा कश हो गए थे हालांकि जामिया में उनकी ज़िंदगी बड़ी सरगर्म रही और जामिया में वो बड़े फ़ाल थे यूनिवर्सिटी में बड़ा आला उनका किरदार था बहुत ख़ास उनका मुकाम था और प्रोफेसर असगर वजाहत ने जामिया पर बड़ी अच्छी किताब लिखी है और जामिया के सेंटिनरी पर उसमें एक तकरीबन एक तिहाई हिस्सा उन्होंने मुजीब रिजवी साहब के ऊपर सर्फ़ किया है जो उन्होंने असगर वजहत साहब को वहाँ नौकरी दी थी और उन्हीं के जेर तरबियत असगर वजाहत साहब जामिया में रहे कई सालों तक और उस ज़माने के जामिया का भी जिक्र किया है तो उस ज़माने में जामिया मैंने भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा क्योंकि बचपन में हम लोग बटला हाउस में रहे सेवेंटी वन में सेवेंटी टू में फिर सेवेंटी एट में और फिर नाइनटीन नाइन्टी में मैं आया तो मैं बटला हाउस में रहता था तो वो जामिया अलग था उस ज़माने की दुनिया ही अलग थी जाहिर सी बात है छोटी सी यूनिवर्सिटी थी पूरा एक फ़ैमिली थी और ख़दत गुजारी का जज्बा बड़ा अहम था जामिया के लिए जो उसके फाउंडर्स ने जब वो कायम हुआ था एक बतौर एक नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूट के नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टीन ट्वेंटी में या ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ऐसे कुछ साल थे जो तीन चार साल लगे थे तो वो खिदमत गुजारी का जज्बा जामिया में आखिर तक कायम रहा जब तक अबू थे और अब जामिया जैसे अबू के ही अल्फाज हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बहुत जरख़ बरक़ और बहुत लक व दक और मगर वो जो पुरानी जामिया की दुनिया थी वो शायद गायब हो गई है जितनी वो बड़ी होती गई है एक लिहाज से उतनी ही छोटी होती गई जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए गालिब का मशहूर मसला है तो अबू के उर्दू के बारे में मखसूस राय थी हर चीज़ के बारे में उनकी मखसूस राय थी उर्दू के वो बहुत ज़्यादा उर्दू को दर खोरे नहीं समझते थे और लेकिन जब वो उर्दू लिखते थे तो बड़ी मौलवियाना उर्दू लिखते थे और उनको जो हिंदी थी संस्कृत आमेज हिंदी उससे भी बड़ा उनको जो है वो मसाइल थे बड़ा उनको जो है वो लगता था लेकिन जब वो हिंदी भी लिखते थे तो इतनी गूढ़ हिंदी लिखते थे कि उसको समझने के लिए भी अच्छे खासे लोगों की अकल दरकार है मगर बहरहाल मैं दो तीन पद्मावत की उनकी किताब से दो तीन चीज़ें पढ़ दूँगा ताकि आपको उनकी स्कॉलरशिप के रेंज का अंदाज़ा हो जाए और ये कि एक साथ वो कितनी दुनियाओं और कितनी धाराओं और साहित्य के कितने मानकों को और कितनी रिवायतों को मिलाकर चलने वाले थे बाकी बातें शिव मूर्ति जी कहेंगे ये एक चैप्टर है किताब का पद्मावती का रूप चित्रण और फारसी पदावली अविवाहित ये यहाँ मैं बता देता हूँ पहले से आपको मांग का जिक्र कर रहे हैं और मांग कितनी अहम है हमारे सौंदर्य बोध में नायिका का वर्णन करने के लिए अविवाहित पद्मावती की सीमांत रेखा का सौंदर्य बोध कराने और उसके आलंबन रूप को चित्रित करने के लिए जायसी ने जो सादृश्य योजना अपनाई है वो सिंदूर से आपूरित मांग के प्रति आकर्षोत्पादन में समर्थ है वो पाठक वह पाठक को रोमांचित और मुक्त करने में सफल है बिना सिंदूर की यह मांग काले केशों के बीच दीपक के समान है जो अंधेरी रात में पंथ को उज्जवल करता है वह कसौटी पर कसी कंचन रेखा है धन में चमकती दामिनी है आकाश पर फैलने वाली किरण है और यमुना के बीच सरस्वती है फारसी के महानतम कवि के लिए भी यह बिंब योजना कल्पनातीत है भारत भूमि में ही इसका निर्माण संभव था ईरान में नहीं क्योंकि वहाँ की संस्कृति में मांग को ये महत्ता प्राप्त नहीं है उस देश में ना मांग भरी जाती है और ना ही मांग उजड़ती है ऊपर उल्लेखित चित्र वही कवि प्रस्तुत कर सकता है जो भारत भूमि से पूर्णतया जुड़ा हो और अपने यथार्थ बोध को भावोत्तेजमक कल्पना में परिवर्तित करने में सक्षम हो इस दृष्टि से फारसी और हिंदी दोनों में जायसी का स्थान अद्वितीय है संयोग श्रृंगार में राम रावण युद्ध का सादृश्य जायसी को अत्यधिक प्रिय है हमारे खास तौर से मुझे ज्यादा इल्म नहीं है लेकिन हमारे मिडिवल पोइट्री में अक्सर जब नायक नायिका का मिलन होता है तो दरअसल एक तरह का नायक नायिका का युद्ध होता है वो एक एमेटरी वॉर है इरोटिक्स में जिसको बयान होता है और वो जायसी के उस इस, इस मामले में उसका बयान कर रहे हैं इस युद्ध में पलंग धंस जाता है और कोमलांग नारी के अंग प्रत्यंग अस्त्र शस्त्र का रूप धारण करके प्रेमी पर आघात करते हैं इस आघात प्रतिघात द्वारा जनित वासना उसे पदाक्रांत करती है युद्ध में पराजयों परांत खुसरो की नायिका चीनी राजकुमारी कैनफुए भी वासना उत्तेजक अपने अंग रूपी आयुधों की चर्चा करके सिकंदर को इसी राम रावण युद्ध के लिए आमंत्रित करती है और सगर्व घोषणा करती है कि इस रण में उसकी विजय निश्चित है महान विजेता का अलकापा उसके अलकापाश में कर अधीनस्थ होना नियत है इस असत्य विचार के प्रसारण का श्रेय डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे को ही प्राप्त है कि खुसरो से पूर्व किसी अन्य मसनवी कार ने संभोग का चित्रण नहीं किया इन्हीं के मत पर विश्वास करते हुए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है कि फारस तक में रची हुई सूफी प्रेम कथाओं में शारीरिक संबंध चित्रित नहीं हुआ है <स्थाथ> खुसरो कदाचित पहले सूफी कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में शारीरिक संबंध को स्थान दिया है वास्तविकता इस मान्यता के नितांत विपरीत है निज़ामी ने खुसरो शीरी के सहवास का चित्रण किया है रुस्तम तहमीने और जाल रुदाबा के संभोग चित्र फिरदौसी ने प्रस्तुत किए हैं जामी ने यूसुफ़ जुलेका के सारे शारीरिक संबंध का उल्लेख किया है इस प्रकार का वर्णन जीवन के यथार्थ को चित्रित करने के लिए अनिवार्य समझा गया था और ईरान के प्रत्येक मसनवीकार ने इसका चित्रण अवश्य किया है इस वर्णन पद्धति के प्रवर्तक निज़ामी हैं और फिरदौसी खुसरो जामी जायसी और फैजी सभी ने उन्हीं का अनुसरण किया है अतः डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे की मान्यता निराधार है कि निज़ामी और अमीर खुसरों में एक अंतर और स्पष्ट है अमीर खुसरों ने अपनी शीरी खुसरो मसनवी में संभोग का चित्रण किया है निज़ामी और जामी की मसनवियों में इस प्रकार के चित्रण नहीं पाए जाते महाभारत रामायण पुराण और इतिहास की सुप्रसिद्ध अंतर कथाओं को मनस्पर्शी अर्थगर्भित और रसोत्पादक रूप देने में भी जायसी का योगदान अद्वितीय है इन्हें नव अर्थ बोध संपन्न गतिवान संवेदनशील और अभिव्यंजना का सशक्त माध्यम बनाने में जायसी के समक्ष अन्य शिल्पकार ठहरते ही नहीं हैं मिथक और अंतर्कथाओं का विशाल भारतीय भंडार उनके लिए पर्याप्त था इसलिए वह अधिकांशतः देशीय मुक्तमाल से ही वाग्देवी का श्रृंगार करते हुए मिलते हैं हनुमान और लंकादाह का प्रकरण निश्चय ही उन्हें अत्याधिक प्रिय है और इसके माध्यम से जो संवेदनशील चित्र उन्होंने अंकित किए हैं वह राम अनुमान भक्त कवियों के यहाँ भी अनुपलब्ध हैं फिर भी फारसी के भी बहुत से चरित्र पाए जाते हैं उनके यहाँ ये सादा जुमला है ये मेरा निजामीकृत सिकंदरनामा के पात्र नौशाबा और सिकंदर का उल्लेख उन्होंने केवल दो बार किया है दारा का अर्थ नारी भी है और सिकंदर द्वारा पराजित ईरानी सम्राट का यह नाम भी है इसी द्यर्थकता का लाभ उठाते हुए जायसी ने रत्नसेन के मुख से कहलाया है इस कंदर सो बाँच दारा देव सुलेमान की कथा का उपयोग पदमात् पदमावत्तकार ने केवल एक बार किया है अमीर हमजा आदि लंधौर आदि हमज़ा नामा के पात्रों अयूब शीश आदि पैगंबरों का उल्लेख मात्र जायसी की रचनाओं में हुआ है तो ये बात दरअसल यहाँ पे अहम इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि जायसी हो या मंझन हो या मुल्ला दाऊद हो जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा ज़्यादातर जिन टीकाकारों ने वो उनमें से ज़्यादातर फ़ारसी से थोड़ा अनभिज्ञ थे इसलिए उन रचनाकारों ने जिस तरह से फ़ारसी और फ़ारसी की रचनाओं को फ़ारसी ज़बान को फ़ारसी अशार को हमारी ज़बानों में पैवस्त किया उनके शेरों को दोहे बनाए उनकी रचनाओं को और उनकी मुहावरों को हमारे यहाँ ढाला वो सब का लिस्ट अबू ने बनाई है और वो दरअसल हिंदी उर्दू अवधि वगैरह से आगे बढ़ के हमारे ज़बानों की जो संरचनाएँ हैं उसमें घुस गईं तो फ़ारसी का जो गहरा असर हमारी जबानों में है मिसाल के तौर पर उन्होंने किताब में लिस्ट बहुत लंबी दी है कि आप कहते हैं अजान देना अजान देना क्यों कहते हैं आप अजान बोलना क्यों नहीं कहते अजान करना क्यों नहीं कहते अजान बनाना क्यों नहीं कहते क्योंकि फारसी मुहावरा है बांग दादन बांग देना खाना खोर्दन आप खोरदन पानी पीते हैं आप खाना खाते हैं खाना खाना चलना जाना जो मुहावरे ज़बान के बहुत सारी चीज़ों के बने हैं वो दरअसल फारसी के असर की वजह से बने हैं और वो उनकी लंबी लिस्ट किताब में उन्होंने दे रखी है इस तरह के और दसियों सेक दर्जनों मुहावरे हैं तो मैं जे हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं जनाब शिव मूर्ति जी के जो ख़ुद जायसी के ही जेर साया पड़े हुए जायसी की मज़ारों पे बचपन में आए गए अवधि से जिनका गहरा ताल्लुक़ है जो प्रयाग और अयोध्या के बीच में पड़ते हुए गांव में पैदा हुए और जिनको ये तमाम जो अबू के पसंदीदा शायर थे उन सब से बचपन से इनकी वाकफियत रही और इनकी ख़ुद की जो ज़िंदगी है वो इस कदर दिलचस्प है कि मैं थोड़ा सा इनके बारे में पढूंगा, और वो मैंने अभी इनसे कहा भी वो मश्रा है कि कहाँ कहाँ से गुज़र कर हयात लाए हैं वो इनके ऊपर साबक होता है बहुत बुरी तरह से कि ये कुरंग नाम के गांव में पैदा हुए थे 1950 में बचपन में सबसे ज़्यादा नापसंद इनको स्कूल जाना था इसलिए वो बार बार स्कूल से भागते रहे ज़्यादातर नानी के घर और इधर उधर भटकते रहे पिताजी बहुत जो है सख्त थे मार पिटाई बहुत करते थे तो वो थोड़ा रास्ते पर जब आए तो पिताजी ही साधु का चोला ग्रहण करके पलायन कर गए तेरह चौदह वर्ष की उम्र में ही अपने पूरे घर की जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ी शिव मूर्ति जी को उसके लिए इन्होंने सिलाई सीखी बीड़ी बनाना सीखा कैलेंडर बेचा बकरियाँ पाली ट्यूशन पढ़ाया मजमा लगाया अंडवृद्धि के लिए और नरेश डाकू के गिरोह में शामिल होते होते बच गए पिताजी को घर वापस लाने के प्रयास में गुरु बाबा की कुटी पर आते जाते खंजड़ी बजाना सीखा जो आज भी उनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है फिर कुछ समय अध्यापन और रेलवे में नौकरी करने के बाद शिव मूर्ति जी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर सेल्स टैक्स ऑफिसर बने और 2010 में एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए साहित्य से परिचय स्कूल जाने से पहले पिता के मुख से सुने गए रामचरित मानस के अंश कवितावली विनय पत्रिका और कबीर के पदों के रूप में हुआ यानी ये चीज़ें इन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ी इन्होंने स्कूल के बाहर पढ़ी इसलिए ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को बचपन में देखे गए नाटक और नौटंकी के संवाद और उसकी कथा के रोमांच ने इन्हें कहानी की तरफ आकर्षित किया पहली कहानी बीकानेर से वातायन में वातायन में पान फूल के नाम से उन्नीस में छपी उन्नीस में दिनमान ने अपढ़ संवाद प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार पाया और जनवरी 80 में धर्मयुग से कसाई बाड़ा छपी तब से अब तक बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं बहुत से उपन्यास लिखे हैं कहानियाँ बांग्ला पंजाबी उर्दू उड़िया और कन्नड़ में तर्जुमा हुई हैं त्रिशूल उपन्यास उर्दू और पंजाबी में तर्पण जर्मन में और आखिरी छलांग कन्नड़ में तर्जुमा हुआ है भरतनाट्यम पसाई बाड़ा और त्रिया चरित्र तीन कहानियों पर फिल्में बनी हैं एक उसमें से बासु चैटर्जी ने बनाई है नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी को लेकर तर्पण पर फिल्म बन रही है कसाईपाड़ा भरतनाट्यम त्रियाचरित्र और तर्पण नाटक के रूप में हज़ारों बार खेले जा चुके हैं और बहुत से पुरस्कार जीत चुके हैं बजा तौर पर मेरा इनसे पहला थारफ कुछ महीने पहले हुआ था जब फ्रांचिस्का और सीने ने शिव मूर्ति जी का जिक्र किया था जो बहुत अच्छी स्कॉलर हैं उर्दू की और हिंदी की और हिस्ट्री की फिर इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद रविकांत ने इनका जिक्र किया था और दोनों ने उनके बहुत उम्दा उपन्यास अगम बहे दरियाओं का जिक्र किया था जो 1970 और 1980 के दहाइयों पर एक गांव की कहानी है और क़स्सा है दरअसल जो इधर उधर बहता हुआ दरिया की तरह चलता जाता है तो हमने जब बात की शिव मूर्ति जी से तो शिव मूर्ति जी ने कहा कि मैं इतना ख़ूबसूरत उन्होंने ये जायसी से ही टाइटल दिया जो अस जरे सुकस नहीं महके जो ऐसे जलेगा जो राइटर जलेगा जो अपने आप को जलाएगा जो पोइट जलेगा वो क्यों नहीं महकेगा तो शिवमूर्ति जी अवध की खुशबू अवध की महक अमेठी की खुशबू जो आप लोगों में से बहुत से लोगों को जान के दिलचस्पी होगी और अवध की ज़मीन की जायसी की कबीर की और उस तरह से मुजीब साहब की खुशबू हम तक लेके आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत शुक्रिया आपका और मैं बहुत आ, मसरत और बहुत खुशनसीबी के जज्बे के साथ आपको दावत देता हूँ इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्युत जन विद्युषी ऐसे सभागार में बोलने की मुझे मेरी प्रैक्टिस नहीं है मुझे मौका नहीं मिला है तो आप ये मानिए कि एक आध को छोड़ दें तो आज पहली बार मैं आप जैसे विद्वानों विदुषियों के बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो हो सकता है कि कहीं असहमति जैसी भी बात अगर आए उसका कारण ये हो सकता है कि मुझे फोक पर और ओरल कल्चर जो हमारे क्षेत्र का है अवध का है या हमारे ज़िले का है उस पर भी बोलने के लिए मुझे मुझसे उम्मीद की गई है जो फोक है जो लोकगीत हैं लोकोक्तियाँ हैं जो रिवाज हैं इन पर बोलना मेरे लिए मुश्किल है अपनी रचना प्रक्रिया के साथ ये भी जोड़ दिया गया अनुसंग के रूप में रचना प्रक्रिया पर तो बोल ही देता लेकिन ये जो जोड़ दिया गया तो इससे थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि चूंकि आप लोग शहरी कल्चर में पले बढ़े हैं रह रहे हैं और हम कहीं रिमोट से दूर से चीज़ ले करके आपके बीच में आए हैं तो अगर कहीं ऐसा लगता भी है आपको तो ये मान लीजिएगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और तमाम तरह दक्षिण भारत में केरल में मामा से शादी हो जाती है बगनी की और हम लोगों के यहाँ तो जो बेटी की बेटी है वो भी बेटी जैसी ही होती है तो बहुत सारे रिवाज लगभग उल्टे पुलटे जैसे हैं कि सोचा नहीं जा सकता तो ये विविधतापूर्ण दुनिया है इसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ मैं कहने का टूटे फूटे शब्दों में प्रयास करूँगा उसको स्वीकार करिए उसी रूप में मुजीब मेमोरियल लेक्चर के इस चौथे आयोजन में अपनी रचना प्रक्रिया पर इसको बंद कर दें <ख़िक्ष्थ> हाँ अब अभी बाद में बात करते हैं <ख़िक्ष्थ> हमारी श्रीमती जी ऐसे ही मौके पे याद करते हैं वहाँ से भी वो देख ली कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं इस व्याख्यान का नाम मैंने दिया है जो अस जराय सो कस न यह मैं अपने पात्रों के लिए भी कह सकता हूँ मुजीब साहब के लिए भी कह सकता हूँ और महाकवि जायसी जी के लिए भी कह सकता हूँ इसलिए मैंने यह पद चुना इस भाषण के शीर्षक के रूप में इस मेमोरियल लेक्चर के पिछले तीन वक्ताओं के संस्मरण सुनकर असगर वजाहत साहब के एक प्रकाशित संस्करण संस्मरण तथा महमूद फारूकी साहब के लेख पद्मावत और अब्बू की बानी पढ़कर मुजीब रिजीवी साहब के व्यक्तित्व का की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है सबको चश्मा पढ़ने के लिए लगता है मुझे उतार देना पड़ता है इसमें उनके शोध ग्रंथ सब लिखनी के लिख संसारा पद्मावत और जायसी की दुनिया में अभिव्यक्त विचारों और व्याख्याओं को मिलाकर देखा जाए तो उनकी मानसिक दुनिया का पूरा खाका स्पष्ट हो जाता है यह भी याद करके अच्छा लग रहा है कि मुजीब साहब से रूबरू होने के दो एक मौके मुझे भी मिले थे यह उन दिनों की बात है जब मेरे मित्र अब्दुल बिस्मिल्लाह ने जामिया के हिंदी विभाग में अपनी ज्वाइनिंग दी थी हिंदी विभाग के लिए और फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए मुजीब साहब ने पूरी जामिया यूनिवर्सिटी के लिए जितना किया उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उनके नाम पर शुरू किया गया यह मेमोरियल लेक्चर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने का एक उल्लेखनीय उपक्रम है अच्छा संयोग यह भी है कि जिन महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी पर मुजीब साहब ने शोध किया वो मेरे पड़ोसी हैं मेरे जिला जवार के हैं वैसे तो क्षेत्रवाद अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन जब इसके माध्यम से किसी बड़ी शख्सियत से जुड़ने का मौका मिलता है तो आदमी सरमाते सरमाते भी जुड़ ही जाता है और इस तरह जोड़ने पर हमारा और जायसी साहब का न सिर्फ़ जिला एक ठहरता है अमेठी, बल्कि बोली भी एक ठहरती है अवधि इतना ही नहीं कविता कहिए या साहित्य अथवा उसके लोक पक्ष से जुड़ने की जो पहली स्मृति मेरे मानस पटल पर दर्ज है वह भी महाकवि जायसी से ही जुड़ती है जिसका उल्लेख मैं करने जा रहा हूँ तो इस तरह मैं और मुजीब साहब दोनों लोग महाकवि के दोनों बाजू खड़े दिख सकते हैं इस मेमोरियल लेक्चर में बोलने के लिए जो विषय सुझाया गया है वह है क्रिएटिव जर्नी ऑफ शिवमूर्ति एंड द रोल ऑफ फोक एंड ओरल कल्चर इन नॉर्थ इंडिया हम अपनी बात की शुरुआत रोल ऑफ फोक एंड ओरल कल्चर से करते हुए अपनी रचना प्रक्रिया लेखन का उद्देश्य और उसकी सिद्धि तक की चर्चा तक ले चलेंगे उस समय मेरी उम्र रही होगी छः सात साल की द्वार पर खेल रहा था कि एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति आते दिखे वे कमर से पूरी तरह झुके हुए थे उनका चेहरा उनकी कमर से नीचे तक पहुंच रहा था मैं पहली बार किसी को इस तरह झुक कर चलता हुआ देख रहा था वह कुबे बाबा थे बढ़ई थे जुआठ की मरम्मत करने आए थे जुआठ जुआ जुवा जिसमें बैलों को नाधा जाता है उनका परिवार नहीं था अकेले थे इसलिए अस्सी पार के उम्र में भी काम करना पड़ता था पिताजी ने उन्हें देखा तो ज़ोर से आवाज़ दी आइए बाबा पहले पानी पीकर थोड़ा दम मार लीजिए धूप बहुत तेज़ है पिताजी ने मुझे गुड़ पानी लाने के लिए कहा कुबे बाबा ऊंचा सुनते थे वे पास आकर लकड़ी के एक मोटे बोटे पर बैठे अंगोछे से चेहरे और गर्दन का पसीना पोछने लगे थोड़ी देर तक हालचाल पूछा जाता रहा फिर पिताजी ने उनके कान के पास मुंह लाकर कहा कहिए तो जब तक पानी आ रहा है हम लोग कुछ सत्संग कर लें एक पद अधूरा है उसी को पूरा करना है इस तरह की छेड़छाड़ वो आपस में करते रहते थे कुबे बाबा ने मुस्कुराकर पिताजी की ओर देखा मतलब वो तैयार हैं पिताजी ने कहा बताइए ये कैसे होगा मुहम्मद बिरद जो नहीं चला काहे चलत भूई टेक मोहम्मद बिरध जो नहीं चला जो झुक गया तो काहे चलत भूई टेक कुबे बाबा और पिताजी के बीच हुए इस सत्संग का उल्लेख मैं यहाँ इसीलिए कर रहा हूँ कि उत्तर भारत के साहित्य के उस ओरल कल्चर की एक झलक दी जा सके वरना बढ़ाई का काम करने वाले कुबे बाबा की इस प्लेटफॉर्म पर एंट्री का कोई तुक ही नहीं बनता है कुबे बाबा ने चुभला चुभला कर गुड़ खाया पूरा एक लोटा पानी पिया अंगोछे से मुंह पहुँचा फिर सिर उठाकर पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए कहा एक बार फिर पूछिए पिताजी ने दोहराया मोहम्मद बिरध जो नहीं चला काहे चलत भोई टेक और कुबे बाबा ने तुरंत जोड़ा जो बन रतन हैरान है धरती पर हो। मोहम्मद बिरध जो नहीं चला काहे चलत भूई टोय तो जो बन रतन हैरान है मक धरती पय हो इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए देर तक मुस्कराते रहे बाद में पिताजी ने मुझे इस दोहे का अर्थ बताया कि वृद्धावस्था में जायसी भी कुबे बाबा की तरह झुककर चलने लगे थे उनकी उंगलियां जमीन को छूती हुई देखकर किसी ने पूछा होगा कि वे धरती को छूते हुए क्यों चल रहे हैं जायसी ने बताया होगा कि मेरा यौवन रूपी रत्न खो गया है ढूंढता चलता हूं कि क्या पता धरती पर कहीं पड़ा हुआ मिल जाए इस दोहे का उदाहरण मैंने यह स्पष्ट करने के लिए भी दिया कि साठ सत्तर वर्ष पूर्व की हमारी पीढ़ी में जायसी किस हद तक रचे बसे थे मैं खुद अपने बचपन में उनकी मज़ार पर हर वर्ष लगने वाले मेले में दो बार शामिल हुआ था जबकि मेरे घर से उनकी मज़ार आठ नौ कोस दूर है फोक और ओरल सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो मेरे बाल मन पर लोक गीतों, लोकोक्तियों और कथा तत्व की छाप डालने वाले मुख्य रूप से दो लोग हैं एक मेरी फुफेरी बहन रजना और दूसरे मेरे प्यारे मामा अभी बताया आपने कि ननिहाल से मेरा वास्ता काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा था तो वहाँ मेरे प्यारे मामा थे वो भी मेरे प्रेरक रहे हैं और मेरी बहन रजना जो फुफेरी बहन थी और मेरे घर यानी अपने नाना के नानी के घर वो भी रहती थी तो वो एक प्रेरक रही है रजना बहन मुझसे आठ नौ साल बड़ी रही होंगी वह अस्थायी रूप से मेरे यानी अपनी नानी के घर रहती थी उनके पास गीतों किस्सों और बुझौलियों का अकूत खजाना था मैं उनका एक मात्र भाई था जिसके पास उन किस्सों को सुनने की कभी न बुझने वाली प्यास थी बहन के हर गीत में किस्सा और हर किस्से में गीत समाया रहता था शायद उसी का प्रभाव होगा कि मेरी कोई कहानी या उपन्यास ऐसा नहीं है जिसमें गीत की मौजूदगी न हो रोज शाम को बहन से घंटे दो घंटे तक कुछ न कुछ सुनकर ही मुझे नींद आती थी बहन की बुझौल का एक उदाहरण देखा बताते हैं अवधि में है अर्थ बता दूंगा दुई जन बैठे मेड़े पे दो लोग मेड़ पर बैठे हैं खेत की मेड़ पर बैठे हैं दुई जन बैठे मेड़े पे बिन गोड़े बिन मूड़े के बिना पैर के हैं और बिना मूड़ के सिर के हैं बिना सिर और पैर वाले दो लोग खेत की मेड़ पर बैठे हैं एक जन बोले उनमें से एक ने कहा आज बड़ी डर लागत बा आज बहुत डर लग रही लग रहा है दूसरे ने पूछा केकर किसका डर पहले वो पहला वाला बोला जेकर नवबितता का निकुना बा जिसकी नाक नवबित की है उसका बड़ा डर लग रहा है तो के बताइस मतलब उस डर के बारे में किसने बताया कैसे तुम्हें पता चली कि नवबित वाले वाले से आज खतरा होगा के बताइस जेकर मुंह सियाबा जिसका मुंह सिल दिया गया है उसी ने बताया है कि नवबितता वाले से खतरा है मु, मु, जो मुहसिल दिए वाले जमाने से थोड़ा थोड़ा जब हम लोग नजदीक पहुंच रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि यह बुझ्वल कितनी प्रासंगिक है तब जिंदगी भी आज की तुलना में अच्छा बूझिए आप लोग है ना कठिन तब जिंदगी भी आज की तुलना में ज्यादा कठिन थी चौदह पंद्रह साल की उम्र में ही बहन उस जिंदगी की असलियत से परिचित हो गई होगी तभी तो उसकी झोली में जिंदगी के कड़वे यथार्थ से जुड़ी कहानियाँ भी कम नहीं थीं एक छोटी सी बानगी देखिए गांव के एक परिवार में खाने पीने की तंगी थी गरीबी थी जाड़े के महीने में गांव में खाने पीने का संकट और गहरा हो जाता था कोई फसल तैयार नहीं रहती थी घर की बहू अपने ससुर के सामने रोज खाने के लिए एक थाली में उबले हुए आलू दे जाती थी कई दिन तक आलू खाते खाते वह उब गए तो सोचा कि कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, जहां इस आलू से मुक्ति मिले रोटी या चावल के दर्शन हो सकें बगल में नदी बहती थी और नदी पार करते ही थोड़ी दूर चलने पर उनकी बहन का घर था तो सोचा चलो बहन के घर चलते हैं तो एक दिन उन्होंने घाट पार किया और दोपहर में बहन के घर पहुंच गए मान लीजिए उस घाट का नाम था उजियार घाट जब बहन के चौके में खाने बैठे तो वहां भी थाली में उबले हुए आलू ही आए रजना बहन बहुत नाटकीय ढंग से सुनाती थी बुजुर्ग ने उन आलुओं से हाथ जोड़कर पूछा हे आलू महारानी मैं तो सबसे नज़दीक वाले घाट उजियार घाट को पार करके आया तो यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई तुम कौन सा घाट पार करके आई कि मुझसे पहले यहाँ पहुँच भी गई या पहुँच कर उबल भी गईं कहने का मतलब कि पंद्रह सोलह साल की बहन के पास अपने आठ नौ साल के भाई को सुनाने के लिए इसी तरह इस तरह के किस्से भी रहते थे प्यारे मामा जब तक गांव में रहे उनके जिम में एक ही काम था जानवरों को चराने का तब जानवरों को चराने का काम आज की तरह मुश्किल नहीं था आज तो कहीं चारागाह ही नहीं बचे हैं उस समय मामा के घर के सामने मील भर तो परती जमीन थी उसके बाद जंगल और नदी घर से सुबह गाय भैंस और भेड़ बकरियों का झुंड एक बार जंगल की तरफ हाँक भर दीजिए उन्हें अपना कर्तव्य और गंतव्य दोनों का पता होता था जंगल और परती में चरकर, नदी में पानी पी लेना है फिर चरना है फिर पीना है और शाम को लौटकर अपने खूंटे पर खड़े हो जाना है तो चरवाही का कोई काम नहीं रहता था जानवरों को हाँक कर सारे चरवाहे किसी घने पेड़ की छाया में डेरा डालते चरवाहों में आठ दस साल से लेकर चौदह पंद्रह साल तक के चार पाँच लड़के और दो तीन लड़कियाँ उनके बीच प्यारे मामा ही अकेले बीस बाईस साल के थे सबसे बड़े और सबके अगुआ वहाँ नाचने गाने या खेलने के अलावा कोई काम नहीं रहता प्यारे मामा बांसुरी बहुत मोहक बजाते थे बांसुरी बजाकर थक जाते तो छुट्टा गीत गाते बिरहा गाते कभी कभी नाचते बिरहा ऊंची आवाज़ में गाया जाने वाला पंवारा होता है ऊंची आवाज़ में शायद इसलिए कि पर्ती और जंगल में आबादी तो होती नहीं रास्ता चलते लोग या जंगल में लकड़ी बीनती औरत ही स्रोता होती हैं डेढ़ दो किलोमीटर के दायरे में दस बीस स्रोता तो उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आवाज़ ऊंची तो करनी पड़ेगी तब मैं दर्जा एक दो में पढ़ता रहा होऊंगा गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाता तो प्यारे मामा के साथ जानवरों को चराने चला जाता मुझे प्यारे मामा की यह दुनिया इतनी अद्भुत इतनी रंगारंग लगती कि मन करता कि अब यह जीवन प्यारे मामा के संग जानवरों को चराने में ही गुजार दूंगा तेरह चौदह की उम्र तक लड़के भले मूढ़ के मूढ़ रह जाते हों लेकिन लड़कियां शरीर से भले पूर्ण विकसित न हों मन और समझ से विकसित हो जाती हैं उनसे मिलने वाली मौन प्रशंसा का भाव ही रहा होगा जिससे प्यारे मामा ने अपने लिए एक आनंद लोक का निर्माण कर लिया था अब उन्हें बाहर के किसी से कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए था हम सारे श्रोता और प्रशंसक मुग्ध भाव से उनका नाचना गाना देखते सुनते और भाव विह्वल होते रहते इन्हीं श्रोताओं में वह लड़की भी थी जो जब तरुणाई पर आई तो अपने बवंडर में प्यारे मामा को ऐसा उड़ाया या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी तरुणाई के बवंडर में प्यारे मामा ऐसा उड़े कि गांव देश के परिदृश्य से हमेशा के लिए ही गायब हो गए लेकिन उसकी बात आ गई अभी मैं प्यारे मामा के पमारों से आध उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे वे लोक की कोख से उपजते हैं और लोक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं कुछ पंक्तियाँ जो उसी समय की सुनी हुई हैं लेकिन अभी तक स्मृति का हिस्सा बनी हुई है नई नई ब्याह कर आई दुल्हन अपना चूल्हा चौका अलग करने के लिए पति से शिकायत सास की शिकायत कर रही है हो सकता है मायके से ही सोच के चली हो कि ज़्यादा दिन इन लोगों को पका के खिलाना नहीं है तो पति से सास की शिकायत कर रही है उसी की दो लाइनें हैं। बहुत लंबा पमारा है घंटों चलेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा बानगी के लिए कि मुरही नारी कहे बालम से ख्याल करा हमारी और मुरही नार कहे बालम से ख्याल करा हमारी और जब से तोहरे घरे माँ आए बुढ़िया लगाए रहे मुँह तोरिया अ चली जाब नैहर का बालम बैठ के रो ब्या गोड़वरिया चारपाई के गुड़वारी बैठकर आप रात भर रोया करेंगे अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो और जाऊंगी जरूर क्योंकि ये जो बुढ़िया है लगातार मुझसे कट बैठी रात दिन भर करती रहती है तुरंत तुरंत ब्याह होता हुआ होता है लड़की के युवा शरीर से लड़के का तुरंत तुरंत सामीप्य हुआ रहता है ऐसे में लड़के के लिए इससे भारी सदमे की बात दूसरी क्या हो सकती है कि लड़की मायके जाने की धमकी देने लगे जाहिर है कि लड़का कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएगा वो कहता है माँ बाप गए मेरे ठेंगे पर माँ की तो मत मारी गई है जो तुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है तुम इतने बड़े घर की बेटी हो तुम चाह चाहती हो तो क्यों नहीं अलग हो जाएंगे कहें बलम माँ की मत मारी ऊंचे घर की तू धरिया लड़के तुह का अलग हो जाबे बैठे पर जाए बाप महतरिया बाप महतारी ठेने पर गए अलग हो जाएंगे ये उसकी एक बानगी है कि कैसे कैसे गीत का खजाना प्यारे मामा के पास था और सुनने को मिलता था तो रह मन में होता था कि सुनते रह जाएं, कोई पिताजी कहीं से अलाउट ना आए पकड़ के फिर ना स्कूल में ले जाके ढकेल दें हो सकता है प्यारे मामा का साथ मुझे भी नाच गाने नाचने की दुनिया में खींच ले जाता पर नियत को यह मंजूर नहीं था प्यारे मामा भीषण प्रेम में पड़ गए गाय गोरू चराने वाली लड़की ने उनके दिल दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया दोनों इस तरह एकाकार हुए कि न उन्हें उजाले का होश रहा न अंधेरे का जैसे इस भरी दुनिया में बस वही दोनों बसते हों दोनों परिवारों को बीच भारी झगड़ा हुआ लड़की का विवाह हो चुका था उसके परिवार ने तय किया कि जल्दी से जल्दी उसकी विदाई कराकर संकट टाला जाए जिस रात सुबह लड़की की विदाई होनी थी उस शाम से ही प्यारे मामा की बांसुरी गांव के बाहर उस पेड़ के नीचे बजने लगी जिसके नीचे सारे चरवाहे इकट्ठा होते थे लगा कि बांसुरी की गूंज ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी जद में ले लिया है बेचैन लड़की पहले से सशंकित अपनी माँ से बोली माँ मैं उससे मिलने जा रही हूं ऐसा मत कर बेटी तुझे विदाई कराने के लिए आए मेहमान लोग बाहर बैठे हैं बाप के मुंह पर कालिक मत पोत मां मेरा उससे मिलने जाना बहुत जरूरी है नहीं तो वह नदी में डूब कर जान दे देगा मैं उसकी जान बचाने के लिए जाऊंगी जरूर और बाप की इज्जत बचाने के लिए लौटूंगी जरूर प्यारे मामा को रात में समझा बुझा कर सवेरे वह डोली में बैठकर चली गई प्यारे मामा की हालत नीम पागलों जैसी हो गई वह लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा न खड़ा कर दें इसलिए सुबह होते ही उन्हें घर से दूर एक पेड़ से बांध दिया गया विदाई होने के बाद छोड़े गए तो अपनी चरवाहे वाली लाठी लेकर नाचते कूदते नीम के नीचे बैठी नानी की ओर बढ़े दूर से ही लाठी नानी की ओर फेंक कर गाने लगे अब नाचा रई बो हरी गाइया माती अब नाचा रही उसमें उनको उनका पागलपन देखते उनका उससे नाचना देखते और नानी का उनके पागलपन को देखता हुआ देखते तो किसी की भी आंख में आंसू आ जाता अब ना चराई बंतोहरी गई यार जसोदा माई अब यह चरवाही अब की लाठी संभालिए अब आपकी गाय प्यारे मामा नहीं चराएंगे अब आपकी गाय प्यारे नहीं चराएंगे मामा तो मेरे मुख से निकल गया उसी शाम प्यारे मामा कमाने के लिए परदेश अहमदाबाद चले गए जिस परिवार का लड़का इस तरह प्रेम में पड़ता है उस परिवार को तो उतनी बदनामी नहीं महसूस होती लेकिन जिस परिवार की लड़की ऐसे प्रेम में पड़ती है उनका तो गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है यह स्थित कमोबेश आज भी हर इलाके में है कभी कभी तो इसकी इतनी हिंसक प्रतिक्रिया होती है जिसके लिए आनर किलिंग शब्द का ईजाद किया गया है लेकिन लोक मानस को ठटोलने निकलें तो ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें प्रेम में डूबे ऐसे प्राणियों के लिए सहानुभूत के बोल भी मिलते हैं एक गीत की ऐसी ही एक पंक्ति मुझे एक लोक कवि से सुनने को मिली थी सुनने को तो पूरी मिली थी मुझे एक पंक्ति ही याद रह सकी झुकी आओ मेघ बहो पुरवा झुकी आओ मेघ बहो पुरवा गोरी मीत मिलन को जाुकी आओ मेघ पुरवा गोरी मीत मिलन को जाए गोरी अपने मीत से मिलने के लिए निकली हैं ऐसे माहौल को सुहाना बनाने के लिए बादलों से अपेक्षा की जा रही है कि वे धरती की ओर झुक आए और, और पवन से उम्मीद की जा रही है कि वह पूर्वा बहे यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहे जिससे वातावरण में ठंडक आ जाए इसी अवधार्य का एक क्लासिक उदाहरण याद आ रहा है ब्रजभूमि से उपजी राधा कृष्ण की प्रेम कथा ने उत्तर भारत में ही नहीं पूरे भारत में परिया प्रेम की महत्ता को ऊंचाई दी है राधा को कृष्ण से मिलने जाना है वो कृष्ण को पूर्व सूचना दे रही है किसी के माध्यम से समझिए कवि के माध्यम से ही या हवा के माध्यम से वही कदम तरे ब्रजराज आज हम आऊब वही कदम तरे ब्रजराज आज, आज हम आऊब जिस कदम के नीचे मिला करते थे कृष्ण और राधा रोज राधा उनको संदेश दे रहे हैं कि आज हम उसी कदम के पेड़ के नीचे मिलने के लिए आएंगे कंत जवाई सो आई सेज पर कंत जवाई सो आई सेज पर सब विधि अवसर पाई आज हम आओ पतिदेव को भोजन कराकर उनको बिस्तर पर सुलाकर सारा काम खत्म करके <laughs> आज मैं आपसे मिलने उसी कदम के पेड़ के नीचे आऊंगी यह भी हमारे लोक में यह जो कंत और प्रेमी को एक साथ चाहने और दोनों से एक साथ निभाने का औदार्य है उसकी स्वीकृत लोक में सनातन से रही है जब एक पुरुष अपनी बचपन की दोस्ती को उम्र भर याद रखता है और उस पर गर्व करता है तो स्त्री का अपने प्रेमी को याद रखना उसके संपर्क में रहना कहाँ से अनुचित हो गया उसे ससुराल जाते ही मायके का सब कुछ भूल जाने की बंदिश क्यों शुरू हो जाती है कब से शुरू हो गई ये प्रथा प्रेम भी तो मित्रता का सघन रूप ही है हमारे फोक और ओरल कल्चर में वह खासियत भी जमाने से मौजूद है जिसे जादुई यथार्थवाद बात कहा जाता है जिसे स्पेनिश उपन्यासों की खासियत बताई जाती है मारखेज की बोरखेज की और लोगों की इसके भी उदाहरण है कई उदाहरण हैं एक कम से कम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं दमड़ी का तेल लायो दमड़ी बहुत पुरानी है, जो करेंसी होती थी उसका सबसे छोटा इस छोटी उंडली जैसे एक नया पैसा होता था उससे भी छोटी दमड़ी दमड़ी के गीत बहुत चलते हैं उस समय दमड़ी ही बहुत बड़ी चीज़ थी दमड़ी दुकोआ के तोहरी मुनरिया की हाय राम हमारा मन उस पर लग गया है हमें दे दीजिए इनाम इस तरह के बहुत सारे दमड़ी के गीत हैं तो उसी तरह का एक गीत है कि दमड़ी का तेल लायों सबसे छोटी यूनिट जो करेंसी की है उससे हम गए बाजार से तेल लाए कड़ुआ तेल सरसों का तेल और अर्र पो बर्र पोयों उससे मैंने अरा बनाया बड़ा बनाया तला बड़ा बनता है ना दही बड़ा वाला तो आया अयापूड़ी छान लिया दही बड़ा बना लिया इस तरह की चीज़ें उसमें हमने तला उस दमड़ी भर के तेल में जो बाज़ार से लाए दमड़ी का तेल लाए अर्रपोयों बर्रपोयों सैया की टंगरिया लाए लास्ट में अपने हस्बैंड के पैर में भी लगाया मालिश करने के लिए जैसा कि पत्नियां करती ही हैं तो खाना पीना खिला के उनके पैर में भी लगा दिया तो सैया की टंगरिया लाए थोर के अड़ाईगा अड़ाईगा माने गिर गया जमीन पर गिर गया ठोस चीज गिरती है तो गिरना कहते हैं लिक्विड गिरता है तो उसको अड़ाना कहते हैं हमारे अवधि में तो थोर के अड़ाई गया उसी मालिश वालिश के दौरान थोड़ा सा तेल गिर गया थोर के अड़ाएगा तो नदी नारा बहेगा उसी थोड़ा सा अड़ा जाने से नदी नाले बहने लगे उसी तेल के थोर के अड़ाई गया तो नदी नारा बह गया और टिकुली के भाग से संैया मोरा बच गया उसमें बहने से बच गया क्योंकि हमारे सुहाग का भाग्य था हमने उसकी टांग पकड़ के खींच लिया बहते बहते उसको मैंने बचा लिया तो जो जादुई यथार्थवाद है मुझे लगता है एक बड़े उपन्यास में जितना 500 पेज में जादुई यथार्थवाद प्रस्तुत किया जा सकता है उतना इस इस दो लाइन में उसका एक हिस्सा हमारे लोक में भी मौजूद है और एक ही नहीं है बहुत हैं दर्जनों सुनाए जा सकते हैं समय भाव के कारण एक उदाहरण ही मेरे ख्याल से काफी होगा यही वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और लोक का प्रभाव है जो मेरी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से उतर आता है शायद ही मेरी कोई मेरी कोई कहानी हो जिसमें गीत की किसी पंक्ति का उपयोग न हुआ हो मेरे नए उपन्यास अगम अगम्बह दरियाओं में ही साठ सत्तर गीतों के अंश शामिल हैं गीतों के जो अंश मुझे मुझे कंठस्थ हैं उनकी संख्या हजार से कम तो नहीं ही होगी सांस्कृतिक दुनिया में अभी इनकी उतनी पूछ नहीं है मेरे पचासों इंटरव्यू ऑनलाइन और प्रिंट माध्यम में मौजूद हैं लेकिन शायद ही किसी ने कभी इन गीतों पर बात की हो पूछने वाले ने इसलिए जो बाहर निकलने से रह जाएंगे कोई पूछता तो निकलते जैसे कुछ आज निकले इसलिए जो बाहर निकलने से रह जाएंगे उन्हें सीने में दबाए हुए ही चार आदमी के कंधों पर चले जाना होगा हो सकता है नियति मुझे भी लोक नर्तक या लोक गायक के रूप में दुनिया के रंगमंच पर उतारने की सोचती रही लेकिन प्यारे मामा के साथ हुए हादसे के बाद इस आशंका से कि मैं भी उन्हीं की तरह बिगड़ न जाऊं पिताजी ने मेरे ननिहाल जाने पर लग, हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी कैसे पढ़ता है लेखन का बीज किसी जातक के मन में मैंने राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब सृजन का रसायन में इस पर थोड़ा विस्तार से लिखा है कुछ लाइनें यहां प्रस्तुत कर रहा हूं क्या लेखन का गुण जन्मजात होता है हो सकता है भविष्य के वैज्ञानिक इसका कोई सही व सटीक समाधान खोजें पर इतना तो तय है कि प्रत्येक रचनाकार को प्रकृति एक विशिष्ट उपहार देती है अति संवेदनशीतलता अति संवेदनशीलता का और पर दुख कातरता का अतियता का भी जिससे वह प्रत्येक घटना को अपने अलग नज़रिए से देखने प्रभावित होने और विश्लेषित करने में सक्षम होता है जिन परिस्थितियों में शिशु का विकास होता है वही उसकी जिंदगी की भी नियामक बनती हैं और उसके लेखन की भी फसल की तरह लेखक भी अपनी जमीन की उपज होता है जब मेरी रचनाओं में उद्दाम प्रेम सर्वस्व समर्पण गांव, गरीबी वर्ण संघर्ष सांप्रदायिक घृणा अन्याय और अत्याचार के प्रसंग आते हैं तो यह केवल मेरी मर्जी से नहीं होता वक्त ने जिन अनुभवों को मेरे अंतकरण में संजोया है कलम पकड़ते ही स्मृति का द्वार खुलते ही उन्हीं की भीड़ निकलकर पन्नों पर फैल जाती है लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कैसे कल्पना कर लेते हैं ऐसी साहसी नायिकाओं की ऐसे जुझारू नायकों की मैं कहता हूँ कल्पना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसे पात्र हमारे इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं जरूरत है उन्हें पहचानने की उनका काम ही उनकी पहचान है हमारे इलाके में जायसी के नाम से एक उक्ति प्रचलित है जो अस जरा सो कस नहीं महकए जो अपने आप को होम कर देगा हमन कुंड में झोंक देगा उसके जलने की सुगंध तो लोक में फैलेगी ही हमारे पात्र हक के लिए इंसाफ के लिए सच्चाई के लिए प्रेम के लिए कर्तव्य के लिए जबान के लिए स्वयं को होम कर देते हैं इसलिए हमारे जैसे लेखक ही नहीं पूरा इलाका उन्हें पहचान जाता है आप क्या समझते हैं कि मेरी कहानियों की नायिकाएं बिमली सुरजी रजपतिया केसर कुची आदि काल्पनिक हैं पाले संतोखी तूफानी बैताली जंगू विद्रोही क्या काल्पनिक हैं यह सब अपने आप को होम कर चुके लोग हैं इन्हीं को प्रासंगिक परिस्थितियों के बीच में रखकर चमका दिया जाता है तो इनका कद लार्जर देन लाइफ हो जाता है। यहाँ आप जैसे कला संस्कृत और साहित्य के जिन शीर्ष प्रतिनिधियों के मध्य में हम खड़े हैं उनके सामने रचना प्रक्रिया पर बात करना नानी के आगे ननिहाल का बखान करने जैसा ही होगा फिर भी जब लिखना शुरू किया तब कहाँ कोई बता फिर भी मतलब फिर भी कुछ कहना चाहे कहेंगे ही कहने के लिए खड़े किए गए हैं तो कुछ कह ही देंगे जब लिखना शुरू किया तब कहाँ कोई बताने वाला था कि कैसे लिखना चाहिए पढ़ते पढ़ते लिखने की उमंग उठी और कलम उठा लिया न कोई पूर्व तैयारी न आउटलाइन न नोट न समरी कथा की धुंधली सी झलक मिली और कुहासे में उसी का अपेक्षा करते करते चल पड़े कभी पकड़ में आ गई कभी पकड़ में आते आते फिसल गई शुरुआती कहानियां इसी तरह लिखी गई मार्क ट्वेन के इस कथन को तो बहुत बाद में जाना कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में या गोरकी की कि इस सलाह को कि हर लेखक को नोटबुक जरूर रखनी चाहिए जिसमें वह देखी सुनी जरूरी चीज़ों को नोट करता चले तब आयजक सिंगर का यह कथन कौन बताने वाला था कि लेखक का सबसे अच्छा दोस्त कचरे का वह डिब्बा होता है जो उसकी राइटिंग टेबल के नीचे कोने में रखा होता है उसका पेट भरना भी लेखक का दायित्व तो है यानी लिखते जाइए और फाड़ फाड़ कर डस्टबिन में फेंकते जाइए जब तक परफेक्शन ना आ जाए जब तक पूर्व लेखकों के इन सुझावों से परिचित हुआ लेखन की यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी थी मुझे लगता है कि लेखक के मय में कम से कम दो व्यक्तित्व समाये होते हैं एक वह जो अपने समय के साथ सीधे सीधे दो दो हाथ कर रहा होता है दूसरा वह जो हर झेले भोगे सहे हुए को तीसरे की तरह देखता सुनता और सहेजता चलता है यह दूसरा परायों के देखे सुने सहे हुए को भी उसी तल्लीनता और सरोकार के साथ आत्मसात करता है जैसे खुद झेल भोग रहा हो कालांतर में इस अपने और पराये की अनुभूति का अंतर समाप्त हो जाता है जब वह दूसरा व्यक्तित्व तो अपने किसी पात्र में इस झेले भोगे गए अनुभव को आरोपित करता है तब तक वह अनुभव खुद लेखक का अनुभव बन चुका होता है इसलिए काल्पनिक पात्र के काल्पनिक दुख को चित्रित करते समय निकलने वाले लेखक के आंसू असली आंसू होते हैं वह काल्पनिक नहीं होते दिमाग के कंप्यूटर में कोई सिलेक्टर लगा रहता होगा तभी तो एक आदमी के लिए कोई घटना रोजमर्रा की सामान्य घटना होती है और दूसरा उसने उसे अपनी स्मृति में टांक लेता है स्मृति का भाग बन चुके दृश्य या अनुभव से अनुभव में वह वक्त बीतने के साथ साथ अपनी कामना के अनुसार परिवर्तन करता रहता है जैसे स्कूल के दिनों में किसी से झगड़ा हुआ और आप पिट गए थे लेकिन 10 साल बाद याद रखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने ही उसको पीटा था क्योंकि आपकी कामना है कि आप पीटते पीट नहीं पाए अब कल्पना में पीटने में क्या दिक्कत है तो वक्त बीतने के साथ अपनी कामना के अनुसार लेखक उसमें परिवर्तन करता रहता है और कालांतर में इस परिवर्तित दृश्य को ही वह खुद भी असली दृश्य मानने लगता है बाद का देखा सुना बहुत कुछ भूल जाता है लेकिन कोई खास दृश्य कोई रंग कोई स्वाद गंध बोल बिंब संवाद मुस्कान तिरछी चितवन भंगिमा चाल सुरक्षित रह जाती है यह सब लेखकीय स्व की पूंजी बनते चलते हैं यह प्रक्रिया कभी कभी दुर्घटना के रूप में भी सामने आती है जब किसी अन्य लेखक की लिखी हुई किसी रचना का कोई दृश्य या सोच कालांतर में लगता है कि इसको तो मैंने ही सोचा है और अपनी ही किसी रचना में उतर आता है जब लोग बताते हैं ये तो उनका है तो आप सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो गया अब थोड़ा इस बिंदु पर विचार कर लिया जाए कि लेखन किसके लिए होना चाहिए किस लिए होना चाहिए लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए क्या यश के लिए क्या धन के लिए क्या सम्मान पुरस्कार पाने के लिए देखिए निरंकुशता की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते जाना सत्ता का स्थाई चरित्र होता है सत्ता का स्थायी चरित्र होता है निरंकुशता की ओर धीरे 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 बढ़ते चले जाना और लेखक को आम जन का प्रवक्ता माना जाता है इस प्रकार लेखक सप्ताह का अस्थाई प्रतिपक्ष होता है सप्ताह का चरित्र यह भी होता है कि वह अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती शाम दाम, दंड या भेद जिस भी उपाय से अपनी आलोचना को दबाना संभव हो वह दबाती है साहित्यकार को पद प्रतिष्ठा सम्मान पुरस्कार से साधना पुराने जमाने से आजमाया गया हथियार है संस्कृत में एक सुभाषित है कौन याति वशम लोके मुखे पिंडेन पूरीता मृदंगम मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनिम जैसे मृदंग के चमड़े पर गीला आटा पोत दीजिए मृदंग में दो तरफ चमड़ा लगा रहता है तो दोनों तरफ एक ही आवाज निकलती है थोड़ा करकसश निकलती है लेकिन एक तरफ आटा गीला करके पोत दोगे तो दुम 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 मधुर आवाज़ हो जाती है ऐसे ही जो लेखक सत्ता का आटा अपने मुंह में पथवा लेगा उसकी आवाज हर हाल में मधुर होने लगेगी तो अगर आप सत्ता का दिया हुआ आटा अपने मुंह पर पोत लेंगे उसके हाथ से पुरस्कार ग्रहण कर लेंगे तो किस मुंह से उसकी आलोचना करेंगे फिर सत्ता द्वारा आम जन के विरुद्ध किए जाने वाले अन्याय और जादतियों का विरोध कैसे करेंगे उसको आम जन में व्याप्त गैर बराबरी दुख और असुरक्षा की भावना के लिए जिम्मेदार कैसे सत्ता को ठहराएंगे पुरस्कार सम्मान या वृत्त के लिए पुरस्कार सम्मान या वृत्त के लिए हाथ फैलाते ही आप सत्ता का प्रतिपक्ष होने का अपना नैतिक अधिकार खो देंगे फिर आपके पास दो ही विकल्प रह जाएंगे या तो चाँद सितारों और फूलों भवरों पर कविता लिखिए आकाश गंगा क्षितिज और मलय समीर की शोभा और सुगंध पर मुग्ध होइए कोलाहल की अवनी की ओर से आँख मूंद कर शब्द क्रीड़ा करिए या इतिहास की अंधेरी शीतल गहरी गुफा में प्रवेश करके परम शांति का अनुभव करिए अगर वहाँ बैठकर इतिहास की ज्यादतियों और क्रूरताओं पर लिखना चाहेंगे उस गुफा में बैठकर तब भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह क्रूरताएं और ज्यादतियां करने वाले पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं लेकिन अगर आप इस कथन का अनुसरण करना चाहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है या समाज के आगे चलने वाली मसाल होता है तो पद पुरस्कार से हाथ तो धोना पड़ेगा अलेक्जेंडर सोल्जेनिशिन का एक उदाहरण आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक हो सकता है अलेगजेंडर सोल्जनिसिन वे कहते हैं लिटरेचर दैट इज नॉट द ब्रेथ ऑफ कंटेम्पोरेरी सोसाइटी दैट डेयर्स नॉट टू ट्रांसमिट द पेन्स एंड फियर्स ऑफ द सोसाइटी दैट डज नॉट वार्न्स इन टाइम अगेन्स्ट द थ्रेटनिंग्स ऑफ मॉरल एंड सोशल डेंजर्स सच लिटरेचर डज नॉट डिजर्व द नेम ऑफ लिटरेचर किसी भी लेखक को खुद तय करना होगा कि अपने समय और समाज की चुनौतियों का चित्रण करके प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए या राज सत्ता का आटा मुंह में पोतकर कर सत्ता के चारण की भूमिका निभाए ऐसे मौके के लिए लेखकों कवियों को, को सचेत करने का काम पश्चिमी विद्वानों ने ही नहीं हमारे पुरखे संस्कृत के कवियों ने भी ये काम किया है सचेत करने का काम ऐसे मौके के लिए भागवत पुराण के स्कंध दो में पर भागवत पुराण में भागवत पुराण के स्कंध दो के द्वितीय अध्याय में एक श्लोक में पुरखे क्या कह करके सावधान किए हैं सुनिए चीराणे किंग पथि न सी दिशातीिक्षा चीरा किंगथि न सी दिशातीिक्षा रुद्धा गुहा किमजितो किम वपीनो पसन्नान नोपसन्ना कस्मा भजंती कवयोधर्म धान धन धान इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है क्या पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र भिक्षा में मिलने बंद हो गए हैं क्या पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र भिक्षा में मिलने बंद हो गए हैं पहले मिलते थे और लोग उसी से काम चला लेते थे बड़े बड़े राजा महाराजा जिसको कहते थे उतरन पहनना ये राजाओं का उतरन है सेठों का उतरन है उनका कुर्ता उनका मन भर गया था अब चलो हम लोग पहनेंगे तो अगर वो पुराने वस्त्र मिल रहे हैं लेखकों के लिए तो क्या अब आजकल नहीं मिल रहे हैं क्या खाने के लिए पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया है क्या पीने के लिए नदियों का जल सूख गया है क्या रहने के लिए गुफाओं के मुंह बंद हो गए हैं यदि ऐसा नहीं है तो सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले ये कवि और विद्वान लोग धन के मद से मदांध सेठों का मुंह क्यों जोड़ते हैं वक्त बदलने के साथ आप सेठों के साथ सत्ताधारियों का नाम भी जोड़ सकते हैं इस श्लोक में अब ये श्लोक एक बार फिर पढ़ने फिर आगे बढ़ते हैं चिराण किंग पथ न संति दिशंति भिक्षा नवा घृपा परभृता सरिता सुष्यन्द्धा गुहा कमिजि वी नोपसन्ना कस्मा भजंती कव धन धन की वजह से जिनके शरीर से बदबू आ रही है उन्हीं का भजन क्यों करते हैं समझ में नहीं आता है समय बहुत हो गया है हाँ थोड़ी एक आध बात और कह के खत्म करें साहित्यकार किसके प्रति जवाबदेह रहे वह किसके हित की कामना में अपनी लेखनी चलाए इस प्रश्न का भी बहुत स्पष्ट उत्तर महाभारत में मिलता है महाभारत में मिलता है महाभारत में एक कथा आती है राजा रंत देव की इसे मैंने पहले भी एकाध जगह उद्धृत किया है जब लेखकों के कर्तृत्व पर बात होती है तो राजा रंत देव की गिनती प्रजावत्सल राजा के रूप में होती थी एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा प्रजा भूखों मरने लगी राजा ने प्रजा की प्राण रक्षा के लिए अपने राजमहल का अन्न भंडार जनता के लिए खोल दिया उनकी प्रजावत्सलता को देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और राजा के समक्ष प्रकट होकर कहा प्रजापालन से अर्जित पुण्य से अब आप स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो गए हैं मैं आपको लेने आया हूँ मेरे साथ चलकर अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोग करिए राजा रंथदेव ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक उन्होंने कहा न तो हम काम राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम मतलब न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ न स्वर्ग की कामना करता हूँ और न पुनर्जन्म की कामना करता हूँ क्या कामना करता हूँ काम आए दुख तप्ता नाम आर्तनाशनम मैं ये कामना केवल यह कामना करता हूं कि संसार में दुख से संतप्त जितने भी प्राणी हैं उन सबके दुखों का नाश हो जाए लोक मंगल की यही कामना एक लेखक की भी कामना होनी चाहिए मैं जिस समाज और भूभाग में पैदा हुआ उसी का सुख दुख मेरा भी सुख दुख है उसी समाज में व्याप्त अन्याय पीड़ा दुख और भय को बाणी देना तथा उनसे मुक्त की राह तलाशना ही मेरे लेखन का उद्देश्य है उनमें उम्मीद और सपने जगा पाया तो यही मेरे लेखन की सिद्धि होगी धन्यवाद बहुत शुक्रिया हाजरीन ये यादगारी खुतबा है तो बाकी आप शिव मूर्ति जी से इसके बाद अभी बात करिए मैं मीरा रिजवी साहिबा को दावत देता हूँ कि वो सबका फॉर्मली शुक्रिया अदा करें मूर्ति जी एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ आए और आपने इतनी सुंदर इतनी गूढ़ बातें इतनी सहजता से कही और सच पूछें तो आपने मुझे अब्बू की याद दिला दी इस वक्त वो भाषा भी और वो बातें भी वो लहजा भी तो बहुत बहुत दिल के अंदर से होते है दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अबू अगर सुनते तो बहुत खुश होते तो होपफुली <laughs> तो जैसे कि आपने कहा था अबू का भी एक उनको टाइटल मिला था स्कूल में जब वो यहाँ पढ़ाते थे जामिया में तो स्कूल के बच्चों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो टाइटल्स दिया करते थे तो अब्बू को मिला था कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर तो और उसी का कुछ वो सुनाई दिया आपकी वाणी में मुझे आज बहुत शुक्रिया उसके अलावा हम धन्यवाद देंगे हैबिटाइट प्रोग्रामिंग डिवीजन का विद्युन जी का और शादाब जी का जिन्होंने हमें ये वेन्यू प्रोवाइड किया और ये सारे इंतज़ाम उन्होंने करवाए इससे पहले हमारे तीन और स्पीकर्स रह चुके हैं तो पहला जो मुजी मेमोरियल लेक्चर हुआ था 2019 24 मई को वो तो खैर अलग ही दौर था और अलग ही उस वक्त व्यथा थी दिल की और उस वक्त श्री शमसरहमान फारूख़ी साहब ने इसी तरह की कुछ ऐसी बातें कहीं इस तरह से वो बहते गए कभी जायसी कभी खुसरो कभी गालिब कभी मीर कि ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ कुछ भी खोया नहीं है अभी भी जहाँ भी दुनिया में ज्ञान का दीपक रोशन है तो हार तो नहीं मानी जा सकती वो रोशनी इतनी है कि वो सारी दुनिया को रोशन कर पाएगी उसके बाद अशोक बाजपेयी जी आए उन्होंने गांधी पर हमें ये लेक्चर दिया और फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जो कि खुद कबीर के काफ़ी जानकार हैं उन्होंने भी बहुत ही सुंदर तरीके से हमें एक लेक्चर दिया जो कि वही बात है कि ज्ञानवर्धक चीज़ कहीं से मिले जहाँ से मिले बूंद बूंद मिले अपना लेनी चाहिए और उससे जो ख़ुशी मिलती है उसके लिए हम सब उन सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास शुक्रिया इस वक्त रविकांत जी का आप बहुत थैंक यू आपने हमें शिवमूर्ति जी से हमारा तारफ़ कराया और हमें ये मौका मिला कि हम इन्हें सुन सकें बहुत बहुत शुक्रिया